साक्षी के परिवार से मिली स्वाति मालीवाल। स्वाति बोली, दिल्ली में नहीं रुक रहे अपराध। स्वाति बोली, साहिल को जल्द हो फांसी की सजा। मैं अभी लड़की के परिवार से मिली हूँ। लड़की के परिवार की हालत बहुत बुरी है। ये लोग बहुत गरीब हैं और लड़की की माँ तो बस बोलने लायक नहीं है, बात नहीं कर पा रही है। उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में है और शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। 16 साल की उनकी बच्ची सड़क पे सरेआम उसको चाकू गोद गोद के मार डाला, ईंटों से पत्थरों से मारा और वहां पे इतने सारे लोग थे, पुरुष थे, महिलाएं थी और किसी ने लड़की की मदद नहीं करी। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि शायद अगर वो चिल्ला भी देते तो हो सकता है बच्ची बच जाती। इनका दर्द बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है, इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेरी अपील है, इस आदमी को, इस कातिल को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा 6 महीने में हो, ये होना चाहिए। साथ ही दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से परिवार के साथ है। मेरी टीम कल रात से पूरा टाइम इनके साथ है और हम पूरा टाइम इनके साथ रहेंगे और फांसी की सजा उस आदमी को हो ये सुनिश्चित कराने के लिए हम इनके साथ अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैम, जिस तरीके से कई पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी, नेताओं के द्वारा कम्युनल रंग भी दिया जा रहा है पूरे इस मामले को, उसको कैसे आप देखती हैं? जिस बेटी के साथ ये हुआ, उस बेटी के खून का क्या रंग है? खून का कोई रंग नहीं होता, खून का रंग सभी का लाल होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये बेटी चाहे निर्भया हो, चाहे वो छावला की 19 साल की गैंग रेप और मर्डर वाली विक्टिम हो, या 8 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ हो, या 90 साल की औरत जिसके साथ रेप हुआ, इन सारी महिलाओं, बच्चियों की मदद करने की जरूरत है। इन सबके साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं, यहाँ पे आकर देखें कि लड़की के परिवार की क्या हालत है। मेरी उनसे अपील है, अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। यूनियन होम मिनिस्टर, जिसको पुलिस रिपोर्ट करती है, उनको तुरंत एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें LG साहब हो, चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुला लें। मैं बताऊंगी कि अंजलि के केस से लेके आज तक हर दिन दिल्ली में 2000 से ज्यादा कॉल्स तो दिल्ली महिला आयोग में आ रहे हैं कंप्लेंट्स के द्वारा। 500 से ज्यादा महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, हर दिन 6 रेप हो रहे हैं दिल्ली में, क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया। मेरी सबसे अपील है, प्लीज राजनीति बंद कीजिए, प्लीज इस पेरेंट्स के हालात देखिए और प्लीज 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 इसको बंद करवाइए।